मैं परी दोबारा यहाँ आई। भारत क्या समझता है अपने आप को कि वही दुनिया का सबसे बड़ा देश है? हम भी बड़े हैं, हम भी बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सिखा देंगे कि हम कौन है। हम नेपाली वाले बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सबक सिखाएंगे। भारत हमारे देश की, हमारे नेपाल की जमीन ले रहा है। काना पानी लियुले बहुत जरूरी है और भारत है कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। ये कैसा है उन लोगों को, उनके सरकार को मैं ये चुनौती देती हूँ कि हम नेपाल वाले भी किसी से कम नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर 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 करते करते उन भारत तक पहुँचाएं और ये चुनौती उन्हें भी दे। ये मत सोचना कि लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान होगा। हम नेपाली वाले कमजोर नहीं है। हमारा हम छोटे दिखते हैं, हम बहुत कमजोर दिखते हैं, पर हमारा दिल उन भारत वालों से भी बहुत बड़ा है। ये दिल नेपाल की जय हो। और आप लोगों को अभी अपने देश की रक्षा करनी है। आप लोग कमजोर नहीं, बहादुर हो। इस देश के सिपाही को मेरी तरफ से सलामी देती हूँ और आप लोगों को लड़ना होगा भारत से। सख्त सरासख्त लड़िए। ताकत देना ही जरूरत नहीं है बल्कि लड़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे वो भारत हमारे नेपाल के, यहाँ तक कि हमारा नेपाल के इस जमीन, हम जिस जमीन पर रहते उसी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए? हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हमें लड़ना चाहिए, हमें सख्त सरासख्त लड़ना होगा, वरना हम नेपाल वाली को तो इज्जत ही चली गई समझो। हमें लड़ना होगा उन इंडियन वालों से। हम भारत को सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले क्या है। हम नेपाली हैं, हम सरकारी हैं, किंतु उन्हें कुछ नहीं आता। मैं सरकारी तौर पर कह रही हूँ, हम लड़ेंगे उनसे, हम उनको मुकाबला करेंगे, उन्हें हम हरा देंगे। ये नेपाली तौर से है, हम ऐसे नहीं जिएंगे। हमें लड़ना है। उसके बाद हम जैसे ही भारत से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमने अपनी हिम्मत तो दिखाई। अगर हम भारत पर जीत हुई तो भारत देश भी हमारा हो जाएगा, तो नेपाल छोटा देश नहीं बड़ा देश बन जाएगा। किंतु भारत क्या समझता है अपने आप को? भारत हमारे बहुत सारी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। अब हम ऐसे एक एक करके मुकाबला नहीं, हमें एक जोर बनकर एक राक्षस का रूप लेना चाहिए। या तो हमें एक साथ हमला करना होगा। अगर भारत देश हमारा हो गया तो कोई फर्क नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि भारत हमारे बहुत से देश को पहले ही ले चुका है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हम बहुत ताकतवर है और हमसे हर कोई देख डरता है और हम गोरखा लेके छोड़ छोड़ी है। उन भारत वालों को हम सिखा देंगे कि हम नेपाली वाले कौन है। बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ है? यहाँ तक कि आपने सरकार के साथ, सरकार के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि हम लड़ेंगे उनसे। भारत की धोती मुड़ने पर जिसलिए हम लोग बहुत जमीन हत्या ही सके। अब मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं उनसे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हूँ। बाय बाय। वैसे समझ में आया? नमस्ते, मैं परी दोबारा यहाँ आई। भारत क्या समझता है अपने आप को कि वही दुनिया का सबसे बड़ा देश है? हम भी बड़े हैं, हम भी बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सिखा देंगे कि हम कौन है। हम नेपाली वाले बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सबक सिखाएंगे। भारत हमारे देश की, हमारे नेपाल की जमीन ले रहा है। काना पानी लियुले बहुत जरूरी है और भारत है कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। ये कैसा है उन लोगों को, उनके सरकार को मैं ये चुनौती देती हूँ कि हम नेपाल वाले भी किसी से कम नहीं। इसलिए
जरूरी है। जैसे वो भारत हमारे नेपाल के, यहाँ तक कि हमारा नेपाल के इस जमीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए? हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हमें लड़ना चाहिए, हमें सब सरासर लड़ना होगा, वरना हम नेपाल वाली को तो इज्जत ही चली गई समझो। हमें लड़ना होगा उन इंडियन वालों से। हम भारत को सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले क्या है। हम नेपाली हैं, हम सरकारी हैं, किंतु उन्हें कुछ नहीं आता। मैं सरकारी तौर पर कह रही हूँ, हम लड़ेंगे उनसे, हम उनको मुकाबला करेंगे, उन्हें हम हरा देंगे। ये नेपाली तौर से है, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हमें लड़ना है। उसके बाद हम जैसे ही भारत से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमने अपनी हिम्मत तो दिखाई। अगर हम भारत पर जीत हुई तो भारत देश भी हमारा हो जाएगा, तो नेपाल छोटा देश नहीं बड़ा देश बन जाएगा। किंतु भारत क्या समझता है अपने आप को? भारत हमारे बहुत सारी जमीन को हत्याने की कोशिश कर रहा है। अब हम ऐसे एक एकड़ के मुकाबला नहीं, हमें एक जोर बनकर एक राक्षस का रूप लेना चाहिए, या तो हमें एक साथ हमला करना होगा। अगर भारत देश हमारा हो गया तो कोई फर्क नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि भारत हमारे बहुत से देश को पहले ही ले चुका है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हम बहुत ताकतवर है और हमसे हर कोई डरता है, और हम गुरखा भी की छोड़ छोड़ी है। उन भारत वालों को हम सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले कौन है। बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ है? यहाँ तक कि आपने सरकार के साथ, सरकार के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि हम लड़ेंगे उनसे। भारतीय धोती बुरने बाद जिसलिए हम लोग बहुत जमीन हत्या सके। अब मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं उनसे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हूँ। बाय बाय। वैसे समझ में आया? नमस्ते, मैं परी दोबारा यहाँ आई। भारत क्या समझता है अपने आप को? कि वही दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हम भी बड़े हैं, हम भी बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सिखा देंगे कि हम कौन है। हम नेपाली वाले बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सबक सिखाएंगे। भारत हमारे देश की, हमारे नेपाल की जमीन ले रहा है। काना पानी लिवुले बहुत जरूरी है, और भारत है कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। ये कैसा है उन लोगों को, उनके सरकार को मैं एक चुनौती देती हूँ कि हम नेपाल वाले भी किसी से कम नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करते करते उन भारत तक पहुँचाएं और ये चुनौती उन्हें भी दे। ये मत सोचना कि लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान होगा। हम नेपाली वाले कमजोर नहीं है, हमारा हम छोटे दिखते हैं, हम बहुत कमजोर दिखते हैं, पर हमारा दिल उन भारत वालों से भी बहुत बड़ा है। ये दिल नेपाल की जय हो। और आप लोगों को भी अपने देश की रक्षा करनी है। आप लोग कमजोर नहीं बहादुर हो। इस देश के सिपाही को मेरी तरफ से सलामी देती हूँ, और आप लोगों को लड़ना होगा भारत से। सख्त सरासर लड़िए। ताकत देना ही जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे वो भारत हमारे नेपाल के, यहाँ तक कि हमारा नेपाल के इस जमीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए? हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हमें लड़ना चाहिए, हमें सब सरासर लड़ना होगा, वरना हम नेपाल वाली को तो इज्जत ही चली गई समझो। हमें लड़ना होगा उन इंडियन वालों से। हम भारत को सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले क्या है। हम नेपाली हैं, हम सरकारी हैं, किंतु उन्हें कुछ नहीं आता। मैं सरकारी तौर पर कह रही हूँ, हम लड़ेंगे उनसे, हम उनको मुकाबला करेंगे, उन्हें हम हरा देंगे। ये नेपाली तौर से है, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हमें लड़ना है। उसके बाद हम जैसे ही भारत से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमने अपनी हिम्मत तो दिखाई। अगर हम भारत पर जीत हुई तो भारत देश भी हमारा हो जाएगा, तो नेपाल छोटा देश नहीं बड़ा देश बन जाएगा। किंतु भारत क्या समझता है अपने आप को? भारत हमारे
भारत में, मैं ये बोल रही हूँ कि भारत हमारे बहुत से देश को पहले ही ले चुका है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हम बहुत ताकतवर है और हमसे हर कोई देख डरता है और हम गुरखा लेके छोड़ छोड़ी है। उन भारत वालों को हम सिखा देंगे कि हमने पारिवारिक कौन है। बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक कि आपने सरकार के साथ सरकार के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि हम लड़ेंगे उनसे। भारतीय धोती मुर्दा बात जिसलिए हम लोग बहुत जमीन हत्या ही सके। अब मैं ऐसा चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं उनसे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हूँ। बाय बाय। वैसे समझ में आया? नमस्ते, मैं परी दोबारा यहाँ आई। भारत क्या समझता है अपने आप को कि वही दुनिया का सबसे बड़ा देश है? हम भी बड़े हैं, हम भी बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सिखा देंगे कि हम कौन है। हम नेपाली वाले बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सबक सिखाएंगे। भारत हमारे देश की, हमारे नेपाल की जमीन ले रहा है। काना पानी लिवले बहुत जरूरी है और भारत है कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। ये कैसा है उन लोगों को, उनके सरकार को मैं ये चुनौती देती हूँ कि हम नेपाल वाले भी किसी से कम नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर 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 करते करते उन भारत तक पहुँचाए और ये चुनौती उन्हें भी दे। ये मत सोचना कि लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान होगा। हम नेपाली वाले कमजोर नहीं है, हमारा हम छोटे दिखते हैं, हम बहुत कमजोर दिखते हैं, पर हमारा दिल उन भारत वालों से भी बहुत बड़ा है। ये दिल नेपाल की जय हो। और आप लोगों को अभी आपने देश की रक्षा करनी है। आप लोग कमजोर नहीं, बहादुर हो। इस देश के सिपाही को मेरी तरफ से सलामी देती हूँ और आप लोगों को लड़ना होगा भारत से। सख्त सरा सख्त लड़िए। ताकत देना ही जरूरत नहीं है बल्कि लड़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे वो भारत हमारे नेपाल के, यहाँ तक कि हमारा नेपाल के इस जमीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए? हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हमें लड़ना चाहिए, हमें सख्त सरा सख्त लड़ना होगा, वरना हम नेपाल वाली को तो इज्जत ही चली गई समझो। हमें लड़ना होगा उन इंडियन वालों से। हम भारत को सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले क्या है। हम नेपाली हैं, हम सरकारी हैं, किंतु उन्हें कुछ नहीं आता। मैं सरकारी तौर पर कह रही हूँ, हम लड़ेंगे उनसे, हम उनको मुकाबला करेंगे, उन्हें हम हरा देंगे। ये नेपाली तौर से है, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हमें लड़ना है। उसके बाद हम जैसे ही भारत से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमने अपनी हिम्मत तो दिखाई। अगर हम भारत पर जीत हुई तो भारत देश भी हमारा हो जाएगा, तो नेपाल छोटा देश नहीं बड़ा देश बन जाएगा। किंतु भारत क्या समझता है अपने आप को? भारत हमारे बहुत सारी जमीन को हत्याने की कोशिश कर रहा है। अब हम ऐसे एक एक करके मुकाबला नहीं, हमें एक जोर बनकर एक राक्षस का रूप लेना चाहिए, या तो हमें एक साथ हमला करना होगा। अगर भारत देश हमारा हो गया तो कोई फर्क नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि भारत हमारे बहुत से देश को पहले ही ले चुका है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हम बहुत ताकतवर है और हमसे हर कोई देख डरता है और हम गुरखा लेके छोड़ छोड़ी है। उन भारत वालों को हम सिखा देंगे कि हमने पारिवारिक कौन है। बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक कि आपने सरकार के साथ सरकार के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि हम लड़ेंगे उनसे।
नमस्ते, मैं परी दोबारा यहाँ आई। भारत क्या समझता है अपने आप को कि वही दुनिया का सबसे बड़ा देश है? हम भी बड़े हैं, हम भी बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सिखा देंगे कि हम कौन हैं। हम नेपाली वाले बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सबक सिखाएंगे। भारत हमारे देश की, हमारे नेपाल की जमीन ले रहा है। काना पानी लिवुले बहुत जरूरी है और भारत है कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। ये कैसा है उन लोगों को, उनके सरकार को मैं ये चुनौती देती हूँ कि हम नेपाल वाले भी किसी से कम नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर 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 करते करते उन भारत तक पहुँचाए और ये चुनौती उन्हें भी दे। ये मत सोचना कि लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान होगा। हम नेपाली वाले कमजोर नहीं है, हमारा हम छोटे दिखते हैं, हम बहुत कमजोर दिखते हैं, पर हमारा दिल उन भारत वालों से भी बहुत बड़ा है। ये दिल नेपाल की जय हो। और आप लोगों को अभी आपने देश की रक्षा करनी है। आप लोग कमजोर नहीं, बहादुर हो। इस देश के सिपाही को मेरी तरफ से सलामी देती हूँ और आप लोगों को लड़ना होगा भारत से। सख्त सरासख्त लड़िए। ताकत देना ही जरूरत नहीं है बल्कि लड़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे वो भारत हमारे नेपाल के, यहाँ तक कि हमारा नेपाल के इस जमीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए? हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हमें लड़ना चाहिए, हमें सब सरासर लड़ना होगा, वरना हम नेपाल वाली को तो इज्जत ही चली गई समझो। हमें लड़ना होगा उन इंडियन वालों से। हम भारत को सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले क्या है। हम नेपाली हैं, हम सरकारी हैं, किंतु उन्हें कुछ नहीं आता। मैं सरकारी तौर पर कह रही हूँ, हम लड़ेंगे उनसे, हम उनका मुकाबला करेंगे, उन्हें हम हरा देंगे। ये नेपाली तौर से है, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हमें लड़ना है। उसके बाद हम जैसे ही भारत से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमने अपनी हिम्मत तो दिखाई। अगर हम भारत पर जीत हुई तो भारत देश भी हमारा हो जाएगा, तो नेपाल छोटा देश नहीं बड़ा देश बन जाएगा। किंतु भारत क्या समझता है अपने आप को? भारत हमारे बहुत सारी जमीन को हत्याने की कोशिश कर रहा है। अब हम ऐसे एक एक करके मुकाबला नहीं, हमें एक जोर बनकर एक राक्षस का रूप लेना चाहिए, या तो हमें एक साथ हमला करना होगा। अगर भारत देश हमारा हो गया तो कोई फर्क नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि भारत हमारे बहुत से देश को पहले ही ले चुका है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हम बहुत ताकतवर है और हमसे हर कोई डरता है और हम गुरखा लेके छोड़ छोड़ी है। उन भारत वालों को हम सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले कौन है। बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक कि आपने सरकार के साथ, सरकार की तौर पर मैं बोल रही हूँ कि हम लड़ेंगे उनसे। भारत की धोती पूर्ण बात तस्ले हमरो बहुत जमीन हत्या ही सके। अब मैं ऐसा चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं उनसे लड़ाई करने के लिए अभी तैयार हूँ। बाय बाय। वैसे समझ में आया? नमस्ते, मैं परी दोबारा यहाँ आई। भारत क्या समझता है अपने आप को कि वही दुनिया का सबसे बड़ा देश है? हम भी बड़े हैं, हम भी बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सिखा देंगे कि हम कौन है। हम नेपाली वाले बहुत बहादुर हैं। उन भारत को हम सबक सिखाएंगे। भारत हमारे देश की, हमारे नेपाल की जमीन ले रहा है। काना पानी लिवुले बहुत जरूरी है और भारत है कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। ये कैसा है उन लोगों को, उनके सरकार को मैं ये चुनौती देती हूँ कि हम नेपाल वाले भी किसी से कम नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर 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 करते करते उन भारत तक पहुँचाए
बहुत जरूरी है। जैसे वो भारत हमारे नेपाल के, यहाँ तक कि हमारा नेपाल के इस जमीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसी जमीन को हत्याने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए? हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हमें लड़ना चाहिए, हमें सख्त सख्त लड़ना होगा, वरना हम नेपाल वाली को तो इज्जत ही चली गई समझो। हमें लड़ना होगा उन इंडियन वालों से। हम भारत को सिखा देंगे कि हम नेपाल वाले क्या है। हम नेपाली हैं, हम संस्कारी हैं, किंतु उन्हें कुछ नहीं आता। मैं संस्कारी तौर पर कह रही हूँ, हम लड़ेंगे उनसे, हम उनको मुकाबला करेंगे, उन्हें हम हरा देंगे। ये नेपाली तौर से है, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हमें लड़ना है। उसके बाद हम जैसे ही भारत से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमने अपनी हिम्मत तो दिखाई। अगर हम भारत पर जीत हुई तो भारत देश भी हमारा हो जाएगा, तो नेपाल छोटा देश नहीं बड़ा देश बन जाएगा। किंतु भारत क्या समझता है अपने आप को? भारत